ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आप देख रहे हैं कि मनीष इस रिश्ते के लिए यानी अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते के लिए तैयार हो चुका है। और वो यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो यहाँ पर अभिमन्यु के घर जाएगा अपने बेटी के रिश्ते की बात करने। जी हाँ, ये है सबसे बड़ा ट्विस्ट आज के एपिसोड का। आप देखेंगे कि मनीष को हॉस्पिटल में होश आ गया है, सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग मनीष से मिलने आते हैं और मनीष जल्द ही ठीक होकर घर जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में जब पूरी फैमिली मिलने आती है तो मनीष अभिमन्यु डॉक्टर अभिमन्यु के सामने कहता है कि मुझे अपनी माँ और पत्नी से कुछ बात करनी है। यहाँ माँ और पत्नी से वो जो बात करता है वो ये है कि वो अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते के लिए तैयार हो चुका है, वो कैरव और अनिशा के रिश्ते के लिए भी तैयार हो चुका है। मनीष को लगता है जिंदगी बहुत छोटी है, कब पता नहीं क्या हो जाए, ऐसे में वो अपने बच्चों की खुशियां उन्हें देकर जाना चाहता है। उसके बच्चे उसके जाने के बाद तकलीफ में रहें या किसी भी चीज को लेकर रोए ऐसा नहीं चाहता। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं जाने से पहले अपने बच्चों की खुशियां उन्हें दे देना चाहता हूँ। यानी हिंट ये है कि वो दोनों के रिश्तों के लिए तैयार हो चुका है। मनीष यहाँ बिरला हाउस जाता है यानी अभिमन्यु के घर जाता है और अभिमन्यु यहाँ मनीष को देखकर चौंक जाता है। बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब मनीष अभिमन्यु के घर जाएंगे रिश्ते की बात करने, पहली बात यह है कि अभिमन्यु के पिता मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। और मनीष के अभिमन्यु के घर जाने से पहले ही अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में लड़ाई चल रही है। दरअसल हुआ यूं कि अभिमन्यु जब भी अपने और अक्षरा के रिश्ते की बात करता है, अक्षरा हमेशा अपनी फैमिली की बात करती है और ये बात अभिमन्यु को पसंद नहीं आती। उसका कहना है कि जब भी मैं अपने प्यार, अपनी जिंदगी, हम दोनों की लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात करता हूं तो तुम अपनी फैमिली को बीच में ला देती हो। और आप सभी जानते हैं कि अक्षरा के लिए उसकी फैमिली ही उसका सब कुछ है। और ये बात लेकर दोनों के बीच में बहस होती है, दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, ये बात किसी और को पता नहीं है और मनीष को भी पता नहीं है। मनीष घर पहुंचते हैं अभिमन्यु का अक्षरा का रिश्ता लेकर। अब देखना ये है कि क्या अभिमन्यु के पिता इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, क्या होता है शो में आगे। सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।